dancing while driving. Okay, okay, okay. Okay, okay, I'm rolling. क्या हाल चाल है भाई लोगो? टेंट नाइट हो गई रेडी. हमारी आरसी केबल छोटी है थोड़ी, बट आगे मैंने ब्रिज करने हैं अपने एम्पलीफायर्स को, और मतलब स्ट्रैप करना है तो उसमें छोटी यूज होती है. तो चलो अब इसको बनाने की विधि हम देखते हैं. और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करता रहूँ और मुझे हिम्मत मिलती रहे ये काम करने की. तो वीडियो पूरी देखिएगा, अगर आप ये सीख लेंगे तो आप घर में ही आरसी बना सकते हैं ऐसी. तो चलें देखते हैं कैसे बनती है ये. तो हमने सारा सामान एक ही लिफाफे में डाल लिया. ये है वायर, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था. और told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I will banane mein, wo aapko main bataunga kaise karna hai. To sabse pehle to ye assemble wagaira kar lena samaan ko, isko jodna padega sabse pehle. इसको जोड़ने वाला तो ये इसमें फिट आ जाएगा. ये ऐसे ये जो है हमारे आयरन को होल्ड करने के काम आता है. अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा. उल्टा लगा दिया, तो सबसे पहले तो हम इसको यूज करेंगे, यहां लगाएंगे इसको ऐसे करके, इधर यहां फिट होगा ये ऐसे. ये आएगा ऐसे, ये होगा ऐसे यूज, ये ऐसे रखने के काम आता है यहाँ पर यूं, ठीक है. तो अब हम इसको अभी ऑन बाद में करेंगे, पहले हम और बाकी सामान निकाल लेते हैं इसमें से. इसको पीछे करते हैं, ये खोल के रख दिया. ये हमारा कटर हो गया, ये आरसी की प्लग, और ये रीयू वायर. तो अभी क्योंकि हमको थोड़ी छोटी ही वायर चाहिए, इसको ऐसे करते हैं. तो अब ये है वायर, अभी हमको छोटी वायर ही चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए, जो हमने अपने एम्पलीफायर को ब्रिज करने के लिए लगानी है. तो वो छोटी सी वायर में ही हो जाएगा. तो हम इतनी सी वायर काट लेते हैं. तो अब ये देखिए, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ. ये वायर थोड़ी सी काट के ये देखो, ये है वो शील्ड. ये जो आप सिल्वर कलर की देख रहे हैं ना, ये है शील्ड, और ये जो है ये एल्युमिनियम की, उसके ऊपर बेस चढ़ी हुई है,
और इसके नीचे इसके बीच में से निकलेगी ये वायर, ये वाली। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, इसको इसमें से हम निकाल देंगे ऐसा, ये है इसके। अब ये जो असली चीज़ है अब ये काम आएगा। अब जो मैंने आपको एम्पलीफायर बताया था किस काम आएगा, ये देखो अभी हम इसको एम्पलीफायर को इसमें लगा देंगे। और यहाँ पर लगाकर हम अपना करेंगे अपना काम, ठीक है। तो भाई लोगों अभी मैंने चेक किया तो इसमें तो ये ना देखो छोटा सा पेच लगा हुआ है, ये देखो ये, तो ये तो वैसे ही फिट हो जाएगा इसमें, ये देखो अंदर चला गया। इसको हम कस देंगे इसके साथ, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, अब ये जो है ना, ये जो अब है बची, इसको हम इसको सोल्डरिंग करने की जरूरत पड़ेगी यहां पर इसके साथ। तो पहले तो यहां हम करेंगे इसको सोल्डर अच्छी तरह से। तो सोल्डर करने के लिए अब हम पहले इसको अब दोबारा इसमें लगाएंगे, अब हम इसको ऑन करते हैं दोबारा। इतनी देर हम रेडी कर लें बाकी सामान। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा पहले ना इधर लगा देते हैं इसके ऊपर, ये थोड़ा चिपकाने में अच्छी तरह से चिपक जाएगा इसके ऊपर। तो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, देखो ये काम करना शुरू किया है कि नहीं। हाँ भाइयों चलो, तो ये चिपक गया। अब तो अब इसको हम चिपकाने के बाद अब ये इसका इसको लगाएंगे, बंद करेंगे इसको अब हम। तो ये अब सोल्डरिंग हो गई है और ये देख सकते हैं जैसे कि आप, अगर रूम हो जाए यहाँ, ये देखो ये अब सोल्डर कर दिया हमने एल्युमिनियम मैश इसके साथ, और वो जो सिंगल कॉपर वायर है वो इसके अंदर चली गई है। तो ये लाइव हो गया मेन और ये अर्थ हो गया। तो अब क्या करना है, हमने इसको कर देना बंद। तो ये अब हमारा एक एंड रेडी हो गया है ठीक है। तो ऐसे ही अब ये वाला एंड हम रेडी करेंगे और इसमें फिर हम रेड वाला लगाएंगे, ये वाला यूं करके लग जाएगा। तो ये वाला लगा कर ना फिर दोबारा मिलता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको लगा देता हूँ फिर मिलते हैं हम दोबारा। तो भाइयों ये दूसरी भी रेडी हो गई है, ये देखो सोल्डरिंग कर दी इसके ऊपर। तो इसको अब हम ऐसे करके बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारी एक आरसी रेडी हो गई। एक्चुअली इसको ब्लैक
इसको मैंने ब्लैक और एक साइड रेड इसीलिए की कि एक इनपुट होगा एक आउटपुट, अदरवाइज जो आरसी बनती है ना वो ये ब्लैक है, तो ये वाला एंड भी यहाँ से जाकर ये ब्लैक ही होना चाहिए। बट ये मान लो गलती भी लग गई मुझसे, वैसे ये इनपुट और ये आउटपुट हम इसकी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी आरसी तैयार हो गई छोटी सी। तो हाँ, अब यहाँ देखिए आप क्लियरली ये अराउंड एक दो फुट की है। तो अब हम, मेरे पास हीट श्रिंक तो नहीं है, तो अब हम इसको ना यहाँ से ना इसको कर देंगे अच्छी तरह से टेप लगाकर। अबे लग जा, यहाँ ऐसे करके टेप लगाकर तो इसको अच्छी तरह से हम कर देंगे ताकि ये निकले ना। टेप मैंने वाइट इसीलिए ली है क्योंकि वायर भी वाइट थी, तो वायर वाइट के साथ इतनी टेप लगाई बुरी नहीं लगेगी। लग गई ऐसे ही अब हम इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो हो गई हमारी आरसी। अब ये हम अपने एम्पलीफायर में लगाएंगे जब हम ब्रिज करेंगे। तो आप ट्यून इन रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।